नमस्कार। मंच पर बैठे हुए सभी विद्वत जनों का अभिवादन करता हूं और मुझे यहां अपनी बात रखने का अवसर दिया गया इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जितना समय मुझे दिया गया है कोशिश करूंगा उससे कम समय में अपनी बात 3-4 मुख्य बिंदुओं के साथ आपके बीच रखते हुए इस विमर्श को कुछ डायमेंशंस देने का, कुछ इसको जो महत्वपूर्ण विषय है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जब बात की जाती है, जब बिहार के गांव के बच्चे, जब मैं उनसे मिलता हूं, जब मैं बिहार के गांव में जिलों में जाकर के सेमिनार्स लेता हूं और जब बच्चे से पूछता हूं कि वो क्या करना चाहता है, कोई बोलता है कि हमको IIT में जाना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको अफसर बनना है, और वो बच्चे को एक रूपरेखा की कमी है, उसको गाइडेंस की कमी दिखती है। और अब इतने वर्षों के बाद जब हम बिहार में जो अब के स्कूलिंग के जो बच्चे आ रहे हैं, हमारा संस्थान 2004 में हमने शुरू किया था, 2009 में हमने कॉलेज की शुरुआत करी, उसके पहले हम प्रशिक्षण के साथ बच्चों को रोजगार देते थे, 2009 में हमने एक कॉलेज की शुरुआत करी, आज 4 कॉलेज है हमारे। और 2009 से 2023 आते आते मैं ये देख पा रहा हूं कि बच्चों की बेसिक इंग्लिश या मैथ्स, खास तौर पर इंग्लिश की कमजोरी को तो हम लोग मान के चलते थे कि गांव में बच्चों का अंग्रेजी मजबूत नहीं हो पा रहा है, लेकिन गर्व होता था कि बिहार के बच्चे का गणित बहुत मजबूत है, मैथ्स बहुत मजबूत है। आज बिहार के बच्चों का मैथ कमजोर हो जा रहा है, हमारे गांव के, हमारे सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक आए हैं बच्चों का मैथ वीक हो जा रहा है। अभिनंदन सर बैठे हुए हैं यहां पर, और बिहार अपने लॉजिकल सेंस पर, साइंस के नॉलेज पर बच्चे पूरे विश्व में फैल करके अपना नाम कमाते थे, और आज जो स्थिति बिहार की बन रही है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, रितेश जी बोल रहे थे कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो मैंने भी थ्रू आउट 12वीं तक की अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से करी, पटना सिटी में मरवाड़ी हाई स्कूल एक वहां का राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय है, और लेकिन मैं इस बात से कंफर्टेबल नहीं हूं कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े। यहां बैठे अधिकांश लोग जो बिहार से बिलोंग करते होंगे वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, और मुझे वो बिहार देखना है जहां मैं अपने पोते को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं और गर्व से कहूं कि बहुत जबरदस्त पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। और वो समय याद होगा लोगों को, साइंस कॉलेज में एक ही बेंच पर डॉक्टर का बेटा बैठ रहा है, IAS अफसर का बेटा बैठ रहा है, इंडस्ट्रीज का बेटा बैठ रहा है, और माली का बेटा भी बैठ रहा है, रिक्शा वाले का बेटा भी बैठ रहा है। तो वो साइंस कॉलेज का वो बेंच, एजुकेशन वॉज द लेवलर ऑफ द सोसाइटी, शिक्षा समाज में एक समानीकरण करने के लिए, बराबरी के लिए होती थी। आज क्या हो गया है, आज शिक्षा डिफ्रेंशिएटर बन गई है, माने कि DPS में पढ़ेगा बेटा या बड़े बैंगलोर के कॉलेज में पढ़ेगा या फॉरेन में पढ़ेगा, और जो गरीब का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में मजबूरी में पढ़ेगा। तो शिक्षा जो है वो समाज में समानीकरण के बजाय, बराबरी के बजाय, लेवलर का काम करने के बजाय डिफरेंशिएटर का काम कर रही है। एक नया अभिजात्य वर्ग तैयार हो रहा है शिक्षा के माध्यम से, जिसके पास हैव और हैव नॉट, तो जिनके पास अच्छी शिक्षा का साधन है वो संपन्न हो पाएंगे, और जिनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है उनके लिए भविष्य के रास्ते जो है उतने सुगम नहीं रह जा रहे हैं। तो हमें यह देखना होगा कि कैसे हम, और अभी खास तौर पे मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं कि बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर के, उनकी उपस्थिति को लेकर के, रेगुलर क्लासेस को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के, जब कोई IAS अधिकारी कोई कवायद शुरू कर रहा है तो क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं उसको बल दिया जाए, क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की आवाजाही और टाइमिंग और ये सब चीजों में सुधार पर काम किया जाए, क्यों नहीं विश्वविद्यालयों में जो लोगों का अटेंडेंस हो रहा है, जो रोज सुबह रजिस्ट्रार से लेकर के विश्वविद्यालय के सारे अधिकारीगण जो है सुबह 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक के साथ में, DO लेवल पर अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। तो एक अभियान शुरू किया गया है, एक अधिकारी जो जिनको कड़क मिजाज माना जाता है अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है इस हॉल से भी उनको समर्थन मिलना चाहिए कि बिहार में जब जब इस तरह का कार्य किया जाएगा बिहार की जनता सहयोग करेगी, और उसको पूरे विभाग का सहयोग मिलना चाहिए, सरकार के उच्च जो अधिकारी हैं, जो हमारे जो नेता हैं बिहार के, उनका सहयोग मिलना चाहिए। और मैं दूसरा विषय रखना चाहूंगा कि बिहार के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनता है रोजगार। कोई नेता कहते हैं कि मैं 10 लाख को जॉब दूंगा, कोई कहते हैं मैं 20 लाख को जॉब दूंगा। बिहार में युवाओं की आबादी है 4 करोड़ युवाओं के राज्य में आप 10 लाख को अगर जॉब दे भी देंगे, जिसको लेकर के लोग शंका करते हैं कि कब मिलेगा 10 लाख को जॉब, तो अगर आप 4 करोड़ युवाओं में 10 लाख को सरकारी जॉब दे भी देंगे तो क्या बिहार के 4 करोड़ युवाओं का उद्धार हो जाएगा?
इसके लिए आपको एक कार्य योजना बनानी होगी, आपको बिहार में उद्यमियों को विकसित करने के लिए, स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए और निजी क्षेत्र के जॉब्स को विकसित करने के लिए, और निजी क्षेत्र में लोग जो आज निजी क्षेत्र में आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है स्किल की। रितेश जी बात कर रहे थे स्किल्स के बारे में, स्किल्स का घोर अभाव दिखाई पड़ रहा है, लोग डिग्री के पीछे पागल हुए हुए हैं। बिहार में आपने डिग्री को भी इस तरीके से स्केयर बना दिया, कॉलेजेस की कमी है, अच्छे तकनीकी संस्थानों की कमी है, और जहां डिग्री मिल जा रहा है वहीं लोग एडमिशन ले ले रहे हैं। मात्र डिग्री पाना ही लक्ष्य और उद्देश्य हो गया है। नॉलेज, और नॉलेज कौन सा नॉलेज, मैं कंप्यूटर साइंस का कोर्स चला रहा हूं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से हमारा संबंधन है, और जब मैंने बच्चों के एप्स दिखाए थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा बच्चों को कि एप्स को हर 6 महीने पे अपडेट करते रहिए। मैंने कहा सर बच्चे तो एप्स को अपडेट कर देंगे, सिलेबस 1996 में है का है, तब मेरा ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, और आज ये कंप्यूटर का वो सिलेबस पढ़ रहा है, 96 का सिलेबस, जिसकी ज्यादातर विषय जो है वो अब कंप्यूटर सेक्टर में काम की नहीं रह गई हैं, और जो चीजें काम की हैं कंप्यूटर सेक्टर में, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, रोबोटिक्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और आप अभी पढ़ा रहे हैं उनको क्यू बेसिक और कोबोल और फॉक्स प्रो जो कि आउटडेटेड हो चुका है, तो इनको कब हम बदलेंगे। तो हम लोग नॉलेज की भी बात नहीं कर रहे हैं, और अगर नॉलेज की ही बात की जाए तो नॉलेज का प्रशिक्षण जो परीक्षण किया जा रहा है, जो बिहार की परीक्षा व्यवस्था है, कभी कभी कड़वी दवाओं की जरूरत होती है। आज जो बच्चे हमारे यहां पास आउट होकर के आ रहे हैं, अगर उनका मैं बेसिक टेस्ट लेता हूं इंग्लिश और मैथ्स का, वो फेल कर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि इस बच्चे को 60% 65% नंबर बिहार बोर्ड में 12th में आया कैसे। अगर कड़ाई से परीक्षा की जाए तो बिहार के मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तैयारी जो है वो बोर्ड्स के एग्जाम को पास करने की नहीं है, और जरूरत इस बात की है कि एक बार कड़ाई की जाए। अगर 2-3 साल कड़ाई हो जाएगी, ऑटोमेटिक पढ़ाई की व्यवस्था जो है उस पर सुधार आ जाएगा। एक और हमने यहां पर स्कैर्सिटी का एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प खड़ा कर दिया है कि आज 2-3 यहां पर आईएएस के संस्थान के लोग जुड़े हुए हैं, प्रति वर्ष शायद 900 या 1000 या 1100 बच्चों का रिजल्ट आता होगा, और 7-8 लाख बच्चे आईएएस की तैयारी में बैठते हैं, और अपने जीवन का वो 6 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष आईएएस की तैयारी के लिए लगाते हैं। आज आईआईटी में अभियानंद सर जी ने कई बच्चों को आईआईटी भेजा, इनके आशीर्वाद से, इनके प्रशिक्षण से, शिक्षण से, कोचिंग से कई बच्चे गए, और बिहार के कई सारे शिक्षक गण इसमें कार्य कर रहे हैं, और पूरे भारत में कोचिंग करने वाले छात्रों की तादाद लाखों में है। पटना शहर में कोचिंग करने वाले छात्रों की तादाद लाखों में है। 17,385 सीट है 23 आईआईटी के मिलाकर के, और हम हर साल 12 लाख से लेकर के 16 लाख और कभी कभी 2020 में 22 लाख बच्चे इनरोल हो गए थे जेई के परीक्षा के लिए। तो हम कुछ खास सीट्स के लिए, कुछ खास तैयारी के लिए अपने बच्चों को प्रेरित कर दिए हैं कि मेरा बेटा भी आईआईटी करेगा। जिसका बेटा आईआईटी नहीं कर रहा उसको लगता है कि भाई मेरा बेटा कुछ मिस कर जा रहा है। आप लोगों को वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्थाएं और वैकल्पिक, बिहार में आपने उच्च शिक्षण संस्थानों की बात आई, आपने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट खोला, आपने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोली, आईआईटी पटना खोला, एनआईटी पटना का विस्तार हो रहा है, तो लेकिन क्या इन कुछ चुनिंदा संस्थानों से जिनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं, इनसे बिहार के उन 12 लाख बच्चों का भला होगा जो हर साल 12वीं की परीक्षा देते हैं। 12 लाख बच्चों में से 80% पढ़ाई छोड़ देते हैं। 10th के बाद जो हमारा जो आगे इनरोलमेंट रेशियो है वहां पर 70% का ड्रॉप आउट है, और क्लास 8वीं क्लास के बाद जहां पर मिड डे मील बंद हो जाता है वहां पर 80% का ड्रॉप आउट है। तो हम हर लेवल पे तो बच्चों को ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं, और मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि बिहार में अब डिग्री को लेकर के नहीं, नॉलेज को लेकर के, अद्यतन नॉलेज को लेकर के, स्किल को लेकर के, जिस स्किल के साथ बच्चे रोजगार पा सके। आज मेरी बेटी रक्सौल की बच्ची जिसको हमने 2016 में पढ़ाया था, आज वो अमेरिका में टेक्सास में है, यूएस में विप्रो में काम कर रही है। हमने उसको विप्रो में जॉब लगवाया था, विप्रो ने उसको यूएस भेज दिया। इंदु जो है वो भी यूएस में है। माइक्रोसॉफ्ट में रुचिका मेरी बच्ची काम कर रही है। मेरी बच्ची क्या नाम है, इंग्लैंड में, यूके में, निशी प्रकाश यूके में 1 करोड़ का पैकेज पा रही है। अगर आप प्रशिक्षण दें, अगर आप उनको स्किलफुल बनाए, उनको इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दें, तो डिमांड है। कॉर्पोरेट सेक्टर बिहार के बच्चों के लिए अपने द्वार खोल के बैठा है, और पूरी इंडस्ट्री में हर जगह आज स्टार्टअप में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एक सरकारी जॉब को लेकर के हमने एक बहुत बड़ा एक हवा खड़ा कर रखा है कि जॉब होना चाहिए सरकारी। तो हमें एक
हर किसी को हम सरकारी जॉब दे भी नहीं सकते हैं। ऐसे में यहां हमें लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में और संस्थानों के बीच में जो विभिन्न विकल्प हैं उनको सामने रखना, और जो डिग्री की दुकानें खुल गई है जहां पर ये इन प्रकार इन डिग्री हासिल करने का प्रकल्प चल रहा है उनको हमें रोकना होगा। अधिक से अधिक संस्थान खुले, जब ज्यादा संस्थान खुलेंगे तो निश्चित रूप से उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी और क्वालिटी की बात होगी, क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी, और एजुकेशन के साथ साथ उनको कल को भविष्य में कोई अच्छा नियोजन मिल सके, प्लेसमेंट मिल सके, इसकी बात होगी। तो मुझे लगता है कि बिहार के दिन जो है वो बेहतर हो सकते हैं, और इसके लिए बिहार वासियों को संकल्प लेना होगा। एक मेरा बेटा बेंगलोर पढ़ता है, मेरी बेटी यहां पढ़ती है, इस तरह की जो हमारे अंदर में फील गुड होता है। अब बेंगलोर में किससे पढ़ रहा है? पढ़ाने वाला शिक्षक वहां बिहार का, पुणे में जो पढ़ा रहा है पढ़ने वाला बिहार का, पढ़ाने वाला बिहार का, पढ़ाने वाला शिक्षक बिहार का, और बाहर जाके पढ़ रहे हैं। तो क्या हम इसको ये नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं? बिहार सरकार कहती है कि बिहार में आईटी पार्क लाएंगे, बिहार में आईटी की कंपनियां आएगी। आईटी की कंपनियां बिहार में तभी आ सकती है जब आप आईटी का एजुकेशन बिहार में लाएंगे। जब तक एजुकेशन नहीं आएगा कोई आईटी कंपनी बिहार में नहीं आएगी। तो इन चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैं इस मंच के माध्यम से अपनी बात यहां पर आप लोग के बीच रख पाया हूं। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।